दीदी। पामेला ने आरोप लगाया कि कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दीदी अब आपको क्या हो गया? बीजेपी युवा मोर्चा के नेत्री पामेला गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। उनकी गाड़ी से कोकेन बरामद किया गया है। दीदी अब देखो भाई खेल। बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। कोलकाता में कोकेन रखने के आरोप में गिरफ्तार की गई बीजेपी नेता पामेला गोस्वामी ने बड़ा आरोप लगाया है। पामेला ने आरोप लगाया है कि कैलाश विजयवर्गीय के करीबी राकेश सिंह को इस मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पामेला का आरोप है कि राकेश सिंह की ही साजिश है। आपको बता दें कि पामेला के साथ रबी डे नाम के शख्स को कोलकाता के अलीपुर से करीब 100 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया गया था और अब पामेला ने बड़ा आरोप लगाया है। जब पामेला मीडिया के सामने आई और उन्होंने चीख चीख कर वहां पर आरोप लगाना शुरू किया कि राकेश सिंह को जो कैलाश विजयवर्गीय के करीबी बताए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सौमित सिंह गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए। सौमित, पूरी जानकारी क्या है, क्या कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पामेला वहां पर? जी आदर्श, अभी जो जब कोर्ट के लॉकअप के सामने लिया गया पामेला गोस्वामी को, वो चीखती हुई ये कहने लगी कि राकेश सिंह जो कैलाश विजयवर्गीय के करीबी है, राकेश सिंह बीजेपी के नेता है कोलकाता में, उनके उन्होंने ये पूरी साजिश रचा है और उन्होंने सीआईडी इंक्वायरी की डिमांड करती रही। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे अभी इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि सेशन कोलकाता में सेशंस कोर्ट के सामने का ये नज़ारा है, जहाँ पे कुछ देर पहले ही पामेला गोस्वामी को यहाँ पे लाया गया है। और यहाँ पे जब वो आई तो तब मीडिया को देखते ही वो चीखने लगी और कहने लगी कि कैलाश विजयवर्गीय के जो करीबी है राकेश सिंह, उन्होंने ये साजिश रचा और स्टेट पुलिस के माध्यम से यानी सीआईडी के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए। अब देखो भाई खेल।